हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। आज हम फिर हाजिर हैं अपने इस डिस्कशन में जिसका नाम है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन थ्रू हिंदू। आज है 21 जुलाई 2017 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू के आर्टिकल्स। आइए एक ओवरव्यू लेते हैं कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स आज हैं हिंदू में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो हम कॉर्नर में आर्टिकल देख रहे हैं, हमारे इंडिया के लिए एक नए प्रेसिडेंट का चुनाव किया जा चुका है जो है रामनाथ कोविंद। तो इनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी और ये किस तरीके से जो इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसे स्ट्रेंथन कर पाएंगे, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे हमें डिस्कस करना है। यहाँ जो नीचे एक आर्टिकल आप देख रहे हैं, ये आर्टिकल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है जिसमें ONGC और HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को आपस में मर्ज करने का मन बना लिया गया है। तो इसके क्या निगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी पे और इंडिया का जो ग्रोथ है उस पर होगा, हम उसे यहाँ इस आर्टिकल में देखेंगे। यहाँ सेंटर में जो आर्टिकल है वो सेंसस डाटा ऑन लैंग्वेज पर है। 2011 का सेंसस किया जा चुका है, लेकिन इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, कितनी एग्जिस्टेंस में है, उनका कोई भी प्रॉपर कैलकुलेशन पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं रखा गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें इस आर्टिकल में है जो हमें डिस्कस करनी है। ये जो नीचे आर्टिकल है हमें इसे डिस्कस नहीं करना है। आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। आज फ्राइडे है तो तीन तरीके के व्यूज यहाँ पर रखे गए हैं। आज का जो टॉपिक चुना गया है वो है अर्बनाइजेशन वर्सेस कंजर्वेशन, और इस टॉपिक पर लेफ्ट राइट और सेंटर के व्यूज हम देखेंगे अपने इस डिस्कशन में। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। यहाँ जो हमारा पहला आर्टिकल है कि रामनाथ कोविंद जी जो हमारे नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं उनसे रिलेटेड है। पेपर टू से हम इस टॉपिक को एसोसिएट कर सकते हैं, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन। ठीक है, कंटेक्स्ट यही है कि 14th प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी हमारे इंडिया के। अब इनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक स्पिरिट है, जो फाउंडेशन है हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, उसको सेफ करने में, उसको और मजबूत करने में ये अपना योगदान दें। आइए देखते हैं आर्टिकल में क्या है। आर्टिकल में एक बात जो कही जा रही है वो ये है कि ये ऑलरेडी गवर्नर की पोस्ट से होकर आए हैं, तो इनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि ये प्रेसिडेंट की पोस्ट पर काम करे, क्योंकि गवर्नर की जो पोस्ट है वो एज सच प्रेसिडेंट की पोस्ट से काफी मिलती जुलती है, जो कि स्टेट में फंक्शन करना होता है गवर्नर की पोस्ट पर और सेंटर में फंक्शन करना होता है प्रेसिडेंट की पोस्ट पर। हम देखते हैं कि कई तरीके के रोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो प्रेसिडेंट को प्ले करना होता है, मेजरली तब जब लोकसभा हंग कंडीशन में होती है। हंग लोकसभा क्या होती है मैं आपको बताता हूं कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब भी इलेक्शंस होता है तो कोई भी पार्टी गवर्नमेंट तभी बना सकती है जब वो मेजोरिटी में आ जाए। मतलब कि अगर 100 सीट्स हैं तो अगर किसी पार्टी को 51 सीट्स मिलती हैं तभी वो पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी भी पार्टी को 51 सीट्स नहीं मिलती हैं, सपोज करिए आउट ऑफ 100, तो उस कंडीशन को हम हंग लोकसभा या हंग पार्लियामेंट बोल सकते हैं। अब इस कंडीशन में प्रेसिडेंट के ऊपर दारोमदार होता है कि वो किस पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाते हैं। अगर हम इतिहास में देखें तो कई तरीके के हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, जैसे प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन का जिक्र इस आर्टिकल में किया गया है। उनका कहना है कि उन्होंने हंग लोकसभा की कंडीशन में अपने अपने तरीके से डिसीजंस लिए, जो कि प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ये उनका विवेकाधिकार होता है कि वो किस प्रकार से इस सिचुएशन को डील करेंगे। तो इसमें ये कहते हैं कि वेंकट रमन की हम बात करते हैं या फिर शंकर दयाल शर्मा की बात करते हैं, तो इन्होंने इस सिचुएशन में उन पार्टीज को इन्वाइट किया जिनके पास लार्जेस्ट मेजोरिटी थी। सपोज करिए कि 100 में से किसी भी पार्टी को 100 सीट्स तो नहीं मिली है, बट एक पार्टी है जिसको 40 सीट मिली है और किसी को 35 मिली है, किसी को 30 मिली है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो वो जिसको 40 सीट्स मिली है उसको इनवाइट कर देते हैं। इसके पहले कि जो वेंकट रमन और शंकर दयाल शर्मा की बात हो रही है, वही हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल भी दिया गया है इस बारे में कि 1996 में हमने देखा कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाई थी और भाजपा एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी। उस समय के जो प्रेसिडेंट थे शंकर दयाल शर्मा जी, उनके पास ये निर्णय लेने का दारोमदार था कि वो किस पार्टी को इनवाइट करेंगे।
कांग्रेस जो कि लगातार दावा कर रही थी कि हालांकि उसके पास जो सीट्स हैं वो भाजपा से कम हैं, लेकिन वो मेजोरिटी प्रूव कर सकते हैं। लेकिन शंकर दयाल शर्मा ने भाजपा को इनवाइट किया कि वो आएं और अपनी गवर्नमेंट बनाएं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की लीडिंग में ये गवर्नमेंट बनाई गई। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी जी अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाते हैं 1996 के इस इलेक्शन के बाद, और महज 13 दिनों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट गिर जाती है। बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से उन्होंने अपनी गवर्नमेंट गिराई भी थी। अगर आप उस टाइम की जो वीडियोस हैं उनमें देखें तो उन्होंने काफी अच्छा उसको यूटिलाइज किया था। उन्होंने इस तरीके से मतलब गवर्नमेंट गिरने से पहले ही, इसके पहले कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और पार्टी को डिसॉल्व किया, गवर्नमेंट को गिराया। रेजिग्नेशन में उन्होंने कुछ इस तरीके से पेश किया कि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं या उनकी गवर्नमेंट को गिराया जा रहा है कॉन्स्पिरेसी करके, जिसका निश्चित तौर पर फायदा उनको फर्दर नेक्स्ट इलेक्शन में हुआ। तो यहां पर हम देखते हैं कि शंकर दयाल शर्मा ने जो डिसीजन लिया वो ये लिया कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है हम उसे इन्वाइट करेंगे। लेकिन वही हम के आर नारायणन की बात करते हैं, जब नेक्स्ट 1998 में इलेक्शन होते हैं तो जब वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को इन्वाइट करते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो इस बात को वो बिल्कुल एश्योर करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास मेजोरिटी है या नहीं है। वो अपनी मेजोरिटी को पिछली बार कहीं ऐसा तो नहीं कि 1996 की तरह वो इस बार भी प्रूव ना कर पाए। तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो प्रेसिडेंट है उनके पास काफी कुछ रोल प्ले करने को होता है अपनी इस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल 356 का लगातार मिसयूज होता है। अभी के दौर में तो ये थोड़ा बहुत कम देखने को मिलता है, हालांकि हमने अरुणाचल प्रदेश में ये केस देखा भी अभी हाल के दिनों में। बट इसके पहले कि मैं आपको बात बताता हूं कि जब भी सपोज करिए कि भाजपा की गवर्नमेंट के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट अगर आती है, तो वो जिन भी स्टेट्स में भाजपा की गवर्नमेंट होती थी वहां पर इमरजेंसी इंपोज कर देते थे, स्टेट इमरजेंसी कह सकते हैं आर्टिकल 356। एंड एज वेल एज भाजपा, जब भाजपा आती थी तो वो कांग्रेस के स्टेट्स में स्टेट इमरजेंसी इंपोज कर देती थी। ये सिर्फ बातें जानने के लिए हैं, ये हमारे एग्जाम में काम नहीं आएंगी, हमें इन्हें लिखना भी नहीं है, ये सब पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज है। मैं सिर्फ आपको ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। जानना चाहिए हमें हमारे इतिहास के बारे में, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता रहा है और किस तरीके से हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, हमें जानना चाहिए इसके बारे में। तो अभी हाल के दिनों में जो आर्टिकल 356 का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, उसका मिसयूज किया जा रहा है, उसको भी सिक्योर करना हमारे नए प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एज अ प्रेसिडेंट इस बात का ध्यान रखें, अपने डिस्कशन को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें और इस बात को इंश्योर करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स हैं उनको ऑब्लिगेशन के साथ माना जाए और उनका मिसयूज ना किया जाए। फॉरवर्ड में हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर कोविंद को पॉलिटिकल और सोशल आइडेंटिटी से ऊपर उठना होगा। पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो अभी तक उनकी थी एज ए गवर्नर, सोशल आइडेंटिटी जो लगातार आपने देखा होगा इलेक्शन के दौरान ये कहा जा रहा था कि हाँ हमारा दलित आपके दलित से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा दलित है, समथिंग लाइक दैट, ये जो बातें थी इससे ऊपर उठना होगा। ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट एनी काइंड ऑफ दलित, ठीक है। और देखिए ये सब काफी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें हो जाती हैं, इन पर डिस्कस करना, कास्ट आइडेंटिटी किसी भी व्यक्ति को देना अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, ये हमारी पॉलिटिक्स में होता रहता है, बट दैट इज नॉट द कंसर्न कि हम उसे यहां डिस्कस करें, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि उनके लिए जरूरी है कि वो अपनी स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए जो प्रॉपर सेटल्ड कन्वेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो होते आ रहे हैं और जो अभी के क्वेश्चन हैं कंटेम्प्रेरी जिनको डील करना है, वो उनके बीच में एक बैलेंस स्टैब्लिश करें और प्रॉपर डिसीजन लेने की कोशिश करें। इसके अलावा एक बात और भी देखने को मिलती है कि जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट नहीं है, जैसा कि कहा जाता है ये सिर्फ एक दिखावे की पोस्ट नहीं है, बल्कि बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर होती है हमारे प्रेसिडेंट के पास। और इस तरीके से प्रेसिडेंट के लिए जरूरी है कि वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल करें। देखिए होता यह है कि कई बार तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं और महज एक रबर स्टैम्प की तरह फंक्शन करते हैं, जो उनसे कहा जाता है, जो कि आर्टिकल 74 में बोला भी गया है कि प्रेसिडेंट विल वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो या तो वो उसकी तरह फंक्शन करते हैं या तो फिर वो बहुत ज्यादा इंटरवेंशन करते हैं गवर्नमेंट के फंक्शंस में। तो अभी हमारे नए प्रेसिडेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो इन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस करें, ना तो वो एक रबर स्टैम्प की तरह फंक्शन करें और ना ही वो गवर्नमेंट के फंक्शंस में ओवर इंटरवेंशन दिखाएं, ठीक है। तो यही सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। एक क्वेश्चन यहां पर है,
ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट मेयरली अ सेरेमोनियल पोस्ट बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रोवाइडेड इट फ्यू सिग्निफिकेंट डिस्क्रिशनरी पावर्स टू प्ले द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सेफगार्डिंग द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फाउंडेशन ऑफ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. कमेंट, आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए. नेक्स्ट टॉपिक है कंसोलिडेशन ऑफ ओएनजीसी एंड एचपीसीएल. इस टॉपिक को एसोसिएट करेंगे पेपर 3 के एनर्जी वाले सेक्शन से. ठीक है, अब यूनियन गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल ये सहमति दे दी है कि जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसको ओएनजीसी अपने अंडर में लेगी, उसके स्टेक्स को खरीद लेगी. देखिए, हिंदुस्तान या एचपीसीएल की हम बात कर रहे हैं, एचपीसीएल में गवर्नमेंट का 51.06% या 11% जो स्टेक है वो है, और अभी वो इस स्टेक को ओएनजीसी को बेच देने वाले हैं. तो इसके रेफरेंस में कुछ बातें की गई हैं. आर्टिकल में यही बात है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने तो इस ईयर के बजट में ही इस बात को अनाउंस कर दिया था कि जो ऑयल कंपनीज हैं उनको आपस में इंटीग्रेट करके एक लार्जर एंटिटी बनाया जाएगा, और ओएनजीसी में जो गवर्नमेंट का 51% स्टेक है उसे एचपीसीएल अभी खरीद लेने वाला है. ठीक है, अब देखिए, अगर ओएनजीसी एचपीसीएल के इन स्टेक्स को ले लेता है तो फिर ओएनजीसी के पास ये राइट होंगे कि वो एचपीसीएल की जो रिफाइनरी या रिटेल फैसिलिटीज हैं उनका इस्तेमाल कर पाएंगे. ठीक है, आइए देखते हैं क्या बेनिफिट होंगे. इसका बेनिफिट ये होगा कि गवर्नमेंट जो ये स्टेप उठा रही है इन ऑयल एंटिटीज को इंटीग्रेट करने का, इससे निश्चित तौर पर जो हमारी ऑयल एंटिटीज हैं वो ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर पाएंगी. जो ऑयल प्राइसेस बहुत अप एंड डाउन होते रहते हैं तो उससे जो शॉक हमारी इकोनॉमी को लगता है उसको एब्जॉर्व करने में ये कंपनीज ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर पाएंगी. इसके साथ ही साथ अगर ये स्टेप सक्सेसफुल होता है तो गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन होगा कि वो ऐसे और स्टेप्स उठाएं और प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करें. साथ ही ये जो एड रही है इससे उसको अप्रोक्सीमेटली 30,000 करोड़ का बेनिफिट होगा, जो कि गवर्नमेंट का जो टारगेट है डिस इन्वेस्टमेंट का पूरे साल का उसका 1/3 होगा. मतलब एक झटके में गवर्नमेंट अपने 1/3 टारगेट को इसके जरिए पूरा कर लेगी. तो ये तो बेनिफिट्स हैं. कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ओएनजीसी इतना पैसा कहां से लाएगी कि वो एचपीसीएल के इन स्टेक्स को खरीद पाए. साथ ही जो ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन होता है कंपनी एक्ट 2013 के तहत, ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है जो इसी चैनल पर अपलोडेड है. ये क्या होता है अगर आप वहां देखना चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं. अभी तो ब्रीफ में मैं आपको ये बता देता हूं कि जब भी कोई एक एंटिटी दूसरी कंपनी को खरीदती है, उनके स्टेक्स को खरीद लेती है, तो जो बिकने वाली कंपनी होती है उसके जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको नई कंपनी की जो ओनरशिप होती है अगर उससे दिक्कत है तो जो कंपनी नेक्स्ट कंपनी को खरीद रही है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो उन छोटे शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दे. एग्जाम्पल आपको देता हूं कि सपोज करिए एक कंपनी ए है जो बी को खरीद रही है, तो ए की ओनरशिप से हो सकता है बी के जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं उनको दिक्कत हो, तो ए के लिए ये ऑब्लिगेशन है कि वो 20% एक्स्ट्रा शेयर खरीदने की गारंटी दे कि अगर बी के छोटे शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेचकर बाहर निकलना चाहते हैं तो ए उनको खरीदने के लिए ऑब्लिगेटेड होगा. ये कंपनी एक्ट 2013 में मेंशन है और इसी को ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन बोलते हैं. ठीक है, तो किस तरीके से जो ओएनजीसी है वो ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन को फॉलो करेगी. साथ ही हमने देखा कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर 2007 में किया गया जिसे हम बहुत सक्सेसफुल नहीं कर सकते. क्रिटिसिज्म ये भी है कि ओएनजीसी का जो कैपिटल एलोकेशन है वो बहुत अच्छा नहीं है. कैग ने भी 2011 में क्रिटिसाइज किया था कि ओएनजीसी ने यूके बेस्ड एक इंपीरियल एनर्जी कॉर्पोरेशन को बहुत ही महंगा खरीदा था. कैग ने और भी कई तरीके की इनइफिशियंसीज के बारे में कहा है. कैग देखिए, कैग जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कई बार जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज होती हैं उनको भी ऑडिट करते हैं. ठीक है, तो ये देखने वाली बात है कि ओएनजीसी का जो प्रॉफिट है वो भी हाल के दिनों में काफी कम जा रहा है. तो ओएनजीसी का एचपी को खरीदना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टेक्स को खरीदना गवर्नमेंट से किस तरीके से फायदेमंद हो पाएगा और किस तरीके से जो ओएनजीसी है एचपीसीएल के जो इफिशियंट वर्क कल्चर है उसको कंटिन्यू कर पाएगी या उसे डाइल्यूट कर देगी. तो ये सारी बातें प्रॉब्लम्स के तौर पे हम देख सकते हैं. एक क्वेश्चन है यहां पर, क्वेश्चन ये है, फाइनेंस मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट इन दिस ईयर्स बजट दैट द गवर्नमेंट वुड सीक टू मर्ज पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज टू क्रिएट लार्जर एंटिटीज, हाउ इट विल स्ट्रेंथन रीच ऑफ इंडियंस India's oil giant in global market and what are concerns related to it. Discuss. आप इसको frame करिए.
नेक्स्ट टॉपिक लैंग्वेज डाटा से रिलेटेड है। पेपर वन से टॉपिक को एसोसिएट करेंगे इंडियन कल्चर से। कंटेक्स्ट यही है कि शॉकिंग है कि 2011 का जो सेंसस हुआ उसमें किस तरीके की और कितनी लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं उसका कोई भी डाटा रिलीज नहीं किया गया। आर्टिकल में इंट्रोडक्शन करते हुए ये कहा गया है, तो एक जो इंपॉर्टेंट बात है जो ह्यूमंस को अदर स्पीसीज से अलग करती है वो हमारी लैंग्वेज की यूज की बात है। जिस तरीके से डाइवर्सिफाइड तरीके से ह्यूमंस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ऑल्दो कम्युनिकेशन के लिए अदर स्पीसीज का भी अपना मेथड होता है, बट इतनी डाइवर्सिटी उनमें नहीं पाई जाती। इनका ये मानना है कि कोई नेचर का गिफ्ट नहीं है बल्कि ये ह्यूमन कम्युनिटीज का बहुत कई सालों का एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जिसको ह्यूमंस ने इवॉल्व किया है। दस वी कैन से दिस इज नॉट अ गॉड गिवन गिफ्ट। अब देखिए ये आर्टिकल में कहना है, आपका अगर ये मानना है कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है तो मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बात को मान सकते हैं, बट आर्टिकल में ये कहना है कि ये जो लैंग्वेज है ये डेवलपमेंट का नतीजा है ना कि गॉड गिवन। तो इनका ये कहना है कि इसको कल्चरल हेरिटेज के फॉर्म में रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। कल्चरल पोजिशन के तौर पर ये इसको देखते हैं, कहते हैं कि लैंग्वेज का जो राइट है कम्युनिटी का ये नॉन निगोशिएबल राइट है एक कल्चर के तौर पे, और स्टेट का ये जो ऑब्लिगेशन है कि वो इन राइट्स को सिक्योर करे, ये जो उसकी ड्यूटी है ये भी नॉन निगोशिएबल है, मतलब वो अपनी इस ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकते। यूनेस्को ने लैंग्वेज को इन एलिनिएबल कल्चरल राइट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है और इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी हिस्सा दिया गया है, और इंडिया यूनेस्को के इस चार्टर का एक फॉर्मल सिग्नेटरी भी है। इस वजह से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस कल्चर को सिक्योर करने में अपना रोल प्ले करे। आगे हम देखते हैं कि क्या है। ये काफी शॉकिंग है कि अभी तक 2011 में जो सेंसस करवाया गया था उसका डाटा रिवील नहीं किया गया है। ये कोई नया फेनोमेना नहीं है, इसके पहले भी जो सेंसस हुए हैं उनमें डाटा रिलीज नहीं किया जा रहा है लगातार। लास्ट टाइम जो प्रॉपर डाटा रिलीज किया गया था लैंग्वेज का वो 1961 में किया गया था, जबकि ये कहा गया था कि 1652 लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडिया में जो बोली जा रही हैं इस समय, 1652 लैंग्वेजेस। ये कहते हैं कि कई बार लैंग्वेजेस रिपीटेटिव तौर पे काउंट हो जाती हैं, बट फिर भी कम से कम 1100 लैंग्वेजेस तो हैं ही जो बोली जा रही हैं। रीजन क्यों नहीं डाटा रिलीज करती है गवर्नमेंट अभी तक कभी क्लियर नहीं किया गया है, पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया है। इसके बाद जो दिक्कत आई वो ये आई कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो केवल उन्हीं लैंग्वेजेस को रिलीज करेंगे, उनका डाटा रिलीज करेंगे जिनके स्पीकर्स 10,000 से ज्यादा है। तो फिर उन लैंग्वेजेस का क्या, उन माइनॉरिटी लैंग्वेजेस का क्या जिनको इतनी ज्यादा संख्या में लोग नहीं बोलते हैं, तो क्या उनको रिकॉग्नाइज इंडिया में नहीं किया जाएगा। हम देखते हैं कि 1971 में इस तरीके से केवल 108 लैंग्वेजेस का नाम रिलीज किया गया, जबकि इसके पहले 1652 लैंग्वेजेस का नाम बताया गया था। ठीक है, 6,000 लिविंग लैंग्वेजेस हैं पूरी दुनिया में, ऐसा कुछ रिसर्चेस का मानना है, जिसमें से 500 के अप्रॉक्सीमेट लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं, मतलब इंडिया इतना कंट्रीब्यूट करता है। और 1971 का जो सेंसस था जिसने ये बोला कि 10,000 से कम अगर किसी भी लैंग्वेज के स्पीकर हैं तो उस लैंग्वेज का डाटा रिलीज नहीं किया जाएगा, इसने एक तरीके से देखा जाए तो दुनिया की 1/5 लैंग्वेज को अफेक्ट किया। 2001 में जो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस का डाटा रिवील किया गया उसमें कई सारी लैंग्वेजेस को एक साथ मर्ज कर दिया गया। ये एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि लगभग 1 दर्जन भाषाओं को भीली भाषा के तौर पर बता दिया गया, जबकि वो अलग अलग तरीके से बोली जाती हैं, उनका अपना डिस्टिंक्टिव इंपॉर्टेंस है। 1991 और 2000 के बीच में हम देखते हैं कि कम से कम कुछ तो डाटा बता ही दिया जाता था, लेकिन 2011 के सेंसस में कुछ भी नहीं बताया गया, जबकि 2021 का सेंसस नजदीक आने वाला है। इनका ये कहना है क्या एक कॉमन आदमी के लिए जरूरी है कि वो इस बात को जाने कि कितनी लैंग्वेजेस हमारे इंडिया में बोली जा रही हैं और किसकी क्या कंडीशन है। तो उनका कहना है कि हो सकता है अगर आप एक मेजॉरिटी लिंग्विस्टिक स्पीकर हैं, मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मेजॉरिटी लैंग्वेज को यूज करते हैं, तो हो सकता है आपको इस बात की जरूरत महसूस ना हो, बट यू शुड कंसीडर ऑफ दोज पीपल जो माइनॉरिटी में हैं। ऐसी लैंग्वेजेस जिनको बोलने वाले महज कुछ हजार लोग हैं, क्या वो नहीं चाहेंगे कि उनकी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया जाए? जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करें, उनके बच्चे उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। अब देखिए एक थ्रेट होता है अगर किसी भी कम्युनिटी को ये लग जाए कि जो उसकी लैंग्वेज है उसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो फिर वो अपनी खुद की लैंग्वेज को निगलेक्ट करना शुरू कर देंगे, और यहां एक दौर शुरू होगा लैंग्वेज माइग्रेशन का। लैंग्वेज माइग्रेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये बोला जाता है कि जो कुछ लैंग्वेजेस के लोग होते हैं वो अपनी लैंग्वेज को छोड़कर दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं,
क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी लैंग्वेज को रिकॉग्निशन नहीं है और वो इसके साथ बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। 1961 से लेकर 2011 के बीच में अप्रोक्सीमेटली 250 इंडियन लैंग्वेजेस डिसअपीयर हो चुकी हैं। एक बात ये कहते हैं, जिस तरीके से इंडिया में एक लॉ है कि हर व्यक्ति की ये ड्यूटी है कि वो वॉलंटरी तौर पर अपनी इनकम को डिस्क्लोज करे, तो क्या गवर्नमेंट की ये ड्यूटी नहीं होनी चाहिए कि वो लैंग्वेज का जो डाटा है उसको वॉलंटरी तौर पे ऑब्लिगेशन के फॉर्म पे रिलीज करे इंडियन सिटीजंस के लिए? अगर ऐसा गवर्नमेंट नहीं करती है तो ये कहीं ना कहीं यूनेस्को के चार्टर का वायलेशन है और ये इंडिया की डेमोक्रेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात है। और इसके लिए एक सिंगल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अफेशिया। अफेशिया मैं आपको बताता हूं क्या होता है। अफेशिया एक इनएबिलिटी होती है जो कि माइंड के किसी हिस्से में हो जाती है जिससे वो व्यक्ति अपनी लैंग्वेज को बोल नहीं पाता। तो कहते हैं अगर लैंग्वेज पे इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, उनका डाटा रिवील नहीं किया जा रहा है सेंसस के दौरान, तो इसे हम अफेशिया ही कह सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में इन्होंने बहुत ही अच्छा कंक्लूजन दिया है। ये मोहम्मद इकबाल की एक लाइन बोलते हैं, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। इसमें ये कहते हैं गुलसिता मतलब सेक्रेट गार्डन, एक पवित्र बगीचा जिसमें कई तरीके के फूल होते हैं, कई तरीके की बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स को हम बुलबुले बोल सकते हैं। यहां पर उनका ये कहना है कि आप इमेजिन करिए कि सडनली ये बर्ड्स अपनी चिरपिंग बंद कर दें, जो इनकी आवाज है उसको बंद कर दिया जाए, तो फिर वो गार्डन किस तरीके से एग्जिस्ट कर पाएगा। बहुत ही अच्छा कंक्लूजन है, आप इसे ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं, एंसर्स में भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, नॉट अ बैड थिंग, अच्छा एक्सप्रेशन जाएगा। इस तरीके से हमने इस आर्टिकल को यहाँ पर डिस्कस किया। ये नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो अर्बनाइजेशन वर्सेस कंजर्वेशन से रिलेटेड है, पर वन से एसोसिएट करेंगे अर्बनाइजेशन के सेक्शन से। अभी देखिए कंटेक्स्ट यही है कि 1958 का हमारा एक्ट है जिसमें एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट है, जिसे 1958 में पास किया गया था। अब इसमें एक अमेंडमेंट लाने की बात की जा रही है। अमेंडमेंट क्या है, देखिए इस रूल में यह है कि मान लीजिए ये कोई एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसके 100 मीटर के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, और फर्दर जो 100 मीटर का एरिया है इसमें भी किसी कंस्ट्रक्शन के लिए आपको परमिशन लेनी होगी। तो अभी जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है उसके तहत ये जो 100 मीटर के एरिया में कंस्ट्रक्शन को बैन किया गया है उसको हटाने की बात की जा रही है। अगर ऐसा किया जाता है तो हमारे कई तरीके के जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं वो थ्रेट में आ जाएंगे। जो इसके लिए रीजन दिया जा रहा है वो ये है कि कई तरीके के मॉन्यूमेंट्स हैं जिनके पास से नेशनल हाईवेज का जाना बहुत जरूरी है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर नीड के लिए बहुत जरूरी है, अर्बनाइजेशन को अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए जरूरी है। तो मुद्दा यही है कि क्या हम अर्बनाइजेशन के कारण अपनी एंशिएंट हेरिटेज को कुर्बान करने को तैयार हो सकते हैं। इसमें लेफ्ट राइट और सेंटर व्यू हमें डिस्कस करना है। लेफ्ट व्यू जो इसका विरोध करते हैं उनका ये कहना है कि कल्चर मिनिस्ट्री जो है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो हमारी कल्चर हेरिटेज को सिक्योर करे, वो भी अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, बल्कि वो अदर मिनिस्ट्रीज जो है रोड मिनिस्ट्रीज उनके साथ अलाइन होकर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नहीं, इस लॉ को अमेंड करने की जरूरत है। जो आमसर एक्ट है जो 100 मीटर नो कंस्ट्रक्शन जोन को इंप्लीमेंट करता है, उसके जो विड्रॉल की डिमांड है उसको कल्चरल मिनिस्ट्री एम्फेसिस कर रही है, जिसका ये क्रिटिसाइज कर रही है अपने लेफ्ट व्यूज के दौरान। इसके पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उन्होंने बहुत एक्सट्रीम तरीके से बोला भी था कि अगर कल्चरल मिनिस्ट्री अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकती तो इस मिनिस्ट्री को खत्म कर देना चाहिए, फिर इसकी जरूरत ही क्या है। ठीक है, आप इतना एक्सट्रीम तो हम अपने आंसर्स में नहीं लिखेंगे, बट इसके पहले हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया भी था। अभी देखिए कि ये जो मिनिस्ट्री है ये इस समय इस बात की केयर नहीं कर रही है कि अगर ऐसे रूल्स को इंप्लीमेंट कर दिया गया तो फिर जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं वो किस प्रकार से सिक्योर हो पाएंगे। वो इस बात का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं कि जो हैवी ट्रैफिक उसके पास से गुजरेगा, जो पास होगा वहां से, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स पे। इंडियन कम्युनिटीज को इसके लिए सामने आना चाहिए और इस बात का विरोध करना चाहिए। वो कहते हैं कि हमारे जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी हेरिटेज है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है और उसे सिक्योर करना हम सभी की जिम्मेदारी है। ये एग्जाम्पल देते हैं कि 1876 में जेम्स फर्गसन जो कि एक एंग्लो इंडियन स्टूडेंट थे, उन्होंने किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स का इल ट्रीटमेंट था मुगल मॉन्यूमेंट्स के खिलाफ, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, जबकि आज हमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इनका ये कहना है कि जो प्रोटेक्टेड जोन्स हैं
इसमें 3500 अप्रोक्सीमेट मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको जो कॉरपोरेट होल्डर्स हैं या फिर लैंड माफियाज हैं वो इनको ग्रैब कर चुके हैं। और अगर हम ऐसा लॉ पास करते हैं तो निश्चित तौर पर हम आगे इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये एक लेफ्ट व्यू था। राइट व्यू में ये कहते हैं, सिटी स्पेसिफिक प्लानिंग की बात करते हैं, कि हमें इस प्लानिंग को कंप्लीटली ब्यूरोक्रेसी पे नहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इसके इंप्लीमेंटेशन को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाती। अर्बन आर्ट्स कमीशन जो है वो हर सिटी में, उसके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो सिटी स्पेसिफिक प्लानिंग को अच्छे से स्ट्रेंथन करे ताकि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं वो बेहतर तरीके से सिक्योर हो सके। उनका ये कहना है कि न्यू बिल्डिंग्स बनाई जानी चाहिए, अगर इसके लिए ओल्ड बिल्डिंग्स का सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो किया जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रॉपर रेगुलेशंस होने चाहिए। हमें एक होलिस्टिक स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है जिससे जो सिटीज की स्पिरिट है उसे हम बचा सकें। और अगर रूल्स को बिना किसी सिस्टम के इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो निश्चित तौर पर ये एब्यूसिव होगा और हमारे कल्चर को नुकसान पहुंचाने वाला होगा। इनका ये कहना है कि आयरनी ये है कि जो हमारी फेडरल पॉलिटी है वो आइडियाज को एक्सचेंज नहीं करती है। मतलब मेरठ और जयपुर, दिल्ली और नासिक के साथ अपने आइडियाज को एक्सचेंज नहीं कर सकते कि किस तरीके से जो सिटी प्लानिंग्स हैं उनको आपस में एक हार्मनी के साथ क्रिएट किया जाए। इनका ये कहना है कि जो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज थी उसके पास ये जिम्मेदारी थी कि वो इस बात को देखे कि जो हमारे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं वो सिक्योर रहें, उन पर कोई इन्फ्रिंजमेंट ना हो। हालांकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, फिर भी वो गवर्नमेंट के स्टेप्स जिससे हमारे कल्चरल हेरिटेज को नुकसान पहुंच रहा है उसको चैलेंज करने में सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। तो ये राइट व्यू उन्होंने डिस्कस किया है। सेंट्रल व्यू में अगर हम बात करते हैं तो इनका ये कहना है कि जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक लीगल जॉर्गन हमें देखने को मिलता है। लॉस को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है कि जब तक हम इस बात को समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली उस बिल में क्या है और उससे कितना नुकसान होगा तब तक वो बिल पास हो चुका होता है। तो आज हमें ये जरूरत है कि बहुत ज्यादा जल्दीबाजी ना की जाए किसी भी काम में। जो अभी ये एक्ट में अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है इसको बहुत ही सोच समझ कर किया जाना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो और हमारे हेरिटेज को खतरा ना पहुंचे। इनका ये कहना है कि बहुत सारे रेगुलेशंस के बावजूद पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि कुतुब मीनार के एरिया में 93 इंक्रोचमेंट हमें देखने को मिले हैं। तो सोचिए कि कुतुब मीनार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है हमारे इंडिया का, अगर उसको भी हम इंक्रोचमेंट से नहीं बचा पा रहे हैं तो और जो अदर जो इग्नोर्ड मॉन्यूमेंट्स हैं उनको कैसे बचा पाएंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने लेफ्ट राइट और सेंटर व्यू डिस्कस किया। यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन है वो खत्म होता है। आप इस वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है कि हमें और भी काम करने की जरूरत है। अभी इसका एक न्यूज डिस्कशन अपलोड किया जाएगा, आप उसे भी जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।